Great morning to all my dear friends. I am Dipanshu Arora. I welcome to all in this English speaking journey. और आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर बात करने के लिए आया हूँ और वो महत्वपूर्ण विषय है हमारा एडवांस बैच को लेकर। जैसे कि आपको पहले ही सूचित कर दिया गया था कि 1 सितंबर 2020 से हम अपना एडवांस बैच शुरू करने जा रहे हैं और आज इसकी पहली क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास आज हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है बच्चों परिचयात्मक क्लास। आज पूरे एडवांस बैच का मैं परिचय आपको देने वाला हूँ। एडवांस बैच में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, एडवांस बैच का सिलेबस क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, किस तरह से हमें पढ़ना है और हमारे जीवन में किस तरह से बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, तो वो सभी बातें आज हम करेंगे जो भी हमारे लिए जरूरी है। लेकिन एडवांस बैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फाउंडेशन बैच के बारे में। फाउंडेशन बैच जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको फाउंडेशन बैच पढ़ा चुका हूँ। ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहने का मतलब है अंग्रेजी बोलना सीखी का फाउंडेशन बैच में आपको पढ़ा चुका हूँ और आज से हम अपना एडवांस बैच शुरू कर रहे हैं। एडवांस बैच की जो क्लासेस है उसकी टाइम है वो सुबह 9 बजे से। एडवांस बैच की क्लासेस आपको सुबह 9 बजे से मिला करेगी। और फाउंडेशन बैच सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फाउंडेशन बैच होता क्या है और एडवांस बैच क्या होता है। किसी भी पाठ्यक्रम को ठीक से समझने के लिए उसे 2 भागों में बांटा जाता है। और वो 2 भाग होते हैं फाउंडेशन और एडवांस। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब होता है बच्चों मूल, उत्पत्ति, निर्माण, शुरुआत। जिस प्रकार एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने एक जमीन खरीदी हुई, और वो ऊबर खाबर है बहुत ज्यादा, आपको उसको समतल बनाना है, उसकी नींव भरवानी है, उसको एक लेवल में ले आना है, यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जब आप तैयार कर लोगे, उसका बेस बना दोगे, उसे बोलते हैं फाउंडेशन। ठीक ऐसे ही जिस प्रकार एक नींव बनाई जाती है, जमीन को समतल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आपका फाउंडेशन बैच होता है। फाउंडेशन बैच क्या होता है? बच्चे का स्तर कुछ भी हो, अब देखिए आप ऑफलाइन में तो हमें बच्चे का पता हो जाता है कि बच्चा कौन है सामने, उसका लेवल क्या है, वो किस तरह से अच्छे से समझ सकता है, हम उसी की तरह से और अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या है, देखिए हमें नहीं पता कि आप कौन हो और आपका लेवल क्या है, तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन बैच हमने आपको पढ़ाया था और इस बैच के माध्यम से आपकी इंग्लिश को लेकर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास हमारा हमने किया था। और बखूबी मैं बिल्कुल दावे के साथ ये चीज कह सकता हूँ, जिस भी बच्चे ने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया है, ये 30 क्लासेस हमने इसमें आपको पढ़ाई थी, और जिस भी बच्चे ने 30 क्लासेस पढ़ी हैं, तो बिल्कुल दावे के साथ ये चीज कह सकता हूँ, उस बच्चे की अंग्रेजी को लेकर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी और आज से हम अपना एडवांस बैच शुरू करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं एडवांस बैच की। एक नींव आपने भर ली, उस जमीन की नींव आपने भर ली, अब उस पर हमें बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी है ना, तो डिपेंड करता है फाउंडेशन पर। कितनी बड़ी भी आपको इमारत खड़ी करनी है, जो भी डिपेंड करता है वो करता है फाउंडेशन पर, उसकी नींव पर, उसकी नींव कितनी मजबूत है। अगर नींव बहुत ज्यादा मजबूत है तो आप उस पर उसकी इमारत कितनी भी बड़ी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका बेस बहुत ज्यादा मजबूत है। तो कहने का मतलब है फाउंडेशन बैच आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। हो सकता है कुछ बच्चे नए हों, मुझे पहली बार देख रहे हो, हालांकि फेस कैम तो पहली बार ही बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी नर्वसनेस भी मैं आज बोलते हुए फील कर रहा हूँ और इतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जितने अच्छे से मैं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी क्या है, एक प्रयास मैंने किया है और मैं ऐसा आपसे भी विश्वास रखता हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप थोड़ा फर्स्ट टाइम है तो मैं भी थोड़ा नर्वसनेस फील कर रहा हूँ इसमें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो मैं बिल्कुल दावा देकर आपसे कह सकता हूँ एडवांस बैच की 7 क्लासेस पढ़ने के बाद सिर्फ की क्लासेस आपकी एडवांस बैच में होंगी और सुबह 9 बजे की क्लास आपकी होगी। मैं बिल्कुल दावे के साथ ही ठीक आपसे कह सकता हूँ इन 7 क्लासेस के बाद आप एक बहुत अच्छे सुवक्ता बन चुके होंगे, बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर आप बन चुके होंगे, क्योंकि इतना कुछ मैंने मैनेज किया है आपके लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने टीचिंग में करीबन 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा 7 सालों का अनुभव है टीचिंग में और बहुत सारे बच्चों को मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखा चुका हूँ, और उसी विश्वास के साथ, उसी सबको ध्यान में रखते हुए मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे स्पीकर बन चुके होंगे, बशर्ते जैसे जैसे मैं आपसे कहता हूँ आपसे फैसला से कीजिएगा। तो फाउंडेशन बैच की 30 क्लासेस हैं और मैं बिल्कुल ऐसा सोच सकता हूँ कि आपने कर ली है। अगर कोई बच्चे नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप थोड़ा सा
इस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं फाउंडेशन बैच ज्वाइन कैसे करना है, इसका क्या प्रोसेस है, बाकी प्लेलिस्ट में भी जाके आप इसे देख सकते हैं। और इस नंबर पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। और इस पर जो भी इंपॉर्टेंट बैच को लेकर नोटिफिकेशन होती है तो मैं इस पर ही वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो फाउंडेशन बैच मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं फाउंडेशन बैच कर चुके हैं कि आज से हम एडवांस बैच शुरू करेंगे। एडवांस का मतलब होता है बच्चों उन्नत बैच, है ना, उन्नत बैच, उन्नति बैच, प्रगति बैच। जब भी किसी पाठ्यक्रम में हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तब हम एडवांस बैच पढ़ाते हैं। एडवांस का मतलब है उस पाठ्यक्रम का हर वो लेवल, हर वो बात, हर वो समझ, हर वो चीज जो भी हमारे लिए जरूरी है, जो भी हमें आनी चाहिए, वो सब हम एडवांस बैच में सीखते हैं। और फाउंडेशन बैच में हम एक क्या है अपनी बेस, हम बेस बनाते हैं, अपना आधार बनाते हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बेसिक डेवलप करते हैं और इसमें हम अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। और एडवांस बैच को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ कि इन दोनों बैचों को करने के बाद आप खुद भी किसी को स्पीकिंग बोलना सिखा सकते हैं, वो भी हम करेंगे। और अब धीरे धीरे एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है। सबसे पहले आते हैं फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच की 30 क्लासेस हैं और आपको वो अगर आप नए हो तो आपको करनी ही करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये सब चीजें फाउंडेशन बैच से जुड़ी हुई है। आज से हम अपना एडवांस बैच शुरू करने जा रहे हैं और इसकी पहली क्लास ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो एक तरीके से इसका ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। इसके बाद मैं आता हूँ इंग्लिश रीडिंग फॉर बिगिनर्स। इंग्लिश रीडिंग फॉर बिगिनर्स एक सीरीज है, ये सीरीज मैंने उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं होती, इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ी जाती, इंग्लिश का अखबार नहीं पढ़ा जाता, इंग्लिश की मैगजीन नहीं पढ़ी जाती। इस सीरीज मैंने उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है। इस सीरीज में आपको 30 क्लासेस मिलेंगी, 10 क्लासेस आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल पर होंगी, 10 क्लास आपकी इंटरमीडिएट लेवल पर होंगी और 10 क्लासेस आपकी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर होंगी। ये 30 क्लासेस पढ़ने के बाद आप आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो चुकी होगी और इंग्लिश पढ़ने में आप बिल्कुल भी असहज महसूस अपने आप को नहीं करोगे और आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है, आप पे इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी। और इन 30 क्लासेस के बाद हम एक महीना के करीब मैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 30 क्लासेस, इन 30 क्लासेस में 10 क्लासेस में आपको पहले से ही दे चुका हूँ, वो स्टोरी टाइप है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इजी इंग्लिश रीडिंग फॉर बिगिनर्स के नाम से एक सीरीज है, उसमें आपको इसकी 10 क्लासेस मिल जाएंगी, वो बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। अगर आप फाउंडेशन बैच करे हुए हो, किए हुए हो, तो कोई रूल ऐसा नहीं होगा, कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होगा, कोई वाक्य ऐसा नहीं होगा, कोई वोकैबुलरी ऐसी नहीं होगी जिससे आप परिचित ना हो, क्योंकि वो सब मैं आपको पहले ही फाउंडेशन बैच में बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम हिंदी ऑडियो लाइब्रेरी पे। हिंदी ऑडियो लाइब्रेरी क्योंकि प्राचीन काल से ही एक बात बिल्कुल सत्यता के साथ कही जाती है, 100% सत्य है बात कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। कहने का मतलब है अच्छा बोलने वाले बनने के लिए हमें पहले अच्छा सुनने वाला बनना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। जब आप इनपुट, आप कंप्यूटर आप यूज करते होंगे, आपको पता होगा जो आप इनपुट देते हो वही आउटपुट निकल जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर आपकी लिसनिंग हैबिट है तो आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हो, बहुत जल्दी वक्ता बन सकते हो। हिंदी ऑडियो लाइब्रेरी में जो भी क्लासेस में फाउंडेशन बैच में आपको पढ़ाता हूँ, जो भी क्लासेस में फाउंडेशन बैच के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूँ, उन क्लासेस को मैंने हिंदी में पूरा कन्वर्ट कर दिया है और वो आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिलेगी, है पॉडकास्ट एक तरह से बोल सकते हैं आप। सो ये हिंदी है ना, ये बाय चांस गलत हो गया, हिंदी ऑडियो लाइब्रेरी में जो क्लासेस आप फाउंडेशन बैच में पढ़ोगे उसका हिंदी में कन्वर्ट करके हिंदी ऑडियो लाइब्रेरी में आपको मिलेंगी। उस सब रूल आपको हिंदी में एक बार मैं अपनी आवाज में बोल के आपको बता दूंगा कि वो सब रूल क्या थे जो आपने पढ़ी थी। जो बच्चे फाउंडेशन बैच कर चुके हैं उनके लिए ये दोनों सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो उसे तो पहले ये करना है, उसके बाद ये और ये, उसके लिए फिर थोड़ा काम ज्यादा है, उसके लिए आप फोन पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमें कैसे कैसे करना है, वो आप मैं आपको एक शेड्यूल आपको दे दूंगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। अब आते हैं हम इंग्लिश ऑडियो लाइब्रेरी पर। जैसे कि हिंदी ऑडियो लाइब्रेरी है सेम ऐसी इंग्लिश ऑडियो लाइब्रेरी है, जो भी क्लासेस आप पढ़ोगे ये तो बोथ लैंग्वेज में होगी, आई मीन टू से ये तो आपकी हिंदी में होगी, ये वीडियो लेक्चर है, इसी वीडियो लेक्चर को जो भी रूल, जो भी नियम, जो भी चीजें आप इस फाउंडेशन बैच में पढ़ोगे उनका पूरा का पूरा इंग्लिश में, इंग्लिश ऑडियो लाइब्रेरी उसको मैं पूरा का पूरा क्लास को इंग्लिश में बोल दिया है। जब आप इसे पढ़ोगे फिर आप इसे हिंदी में सुनोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता,
कि आप उसकी इंग्लिश ना समझ पाओ। और शुरुआत में मैं बहुत बिल्कुल धीमे धीमे बोलूंगा, मैं बिल्कुल ऐसे बोलूंगा आपको ऐसे लगेगा कि आप ही हो, है ना। मैं बिल्कुल इस तरह से बोलूंगा जैसे कि आई एम दीपांशु वर्मा, आई विल हैव टू टेल यू दैट आई विल नॉट टीच यू। मैं कुछ उस तरह से बोलूंगा और 30 क्लासेस के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। मैं हर 2-3 दिन बाद अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा और अंत तक मैं एक बिल्कुल फ्लुएंट स्पीकर, एक बिल्कुल फ्लुएंट स्पीकर के जैसे बोलूंगा, जैसे कि टुडे आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट माय सेल्फ। फिर आपको ये भी समझ पाएंगे कब, जब आप इन सीरीज को सुनते हो, क्योंकि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। ये आपको सुननी है दोनों, है ना, हिंदी ऑडियो लाइब्रेरी और इंग्लिश ऑडियो लाइब्रेरी। जिसे हिंदी, जिसे क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आ गई, उसका कोई भी डाउट क्लास को लेकर नहीं है, तो डायरेक्ट इंग्लिश ऑडियो लाइब्रेरी भी सुन सकता है। इसके बाद इंग्लिश वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं इसे मानता हूं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि वोकैबुलरी सेक्शन के माध्यम से मैं आपको हर वो वोकैबुलरी जो भी बेसिक फीचरिया जो भी नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते हैं वो सभी चीजें मैं आपको इसमें वोकैबुलरी सेक्शन में पढ़ाने वाला हूँ। ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगी। और मैं एक चीज आपको एक रहस्य और बताने वाला हूँ, आज आपको जानकर बहुत खुशी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति कभी इंग्लिश बोलना भी नहीं चाहता, जो उसे पता भी नहीं, बोलता भी नहीं हूं मैं, वो भी अंग्रेजी कम से कम 5-6 हजार वर्ड इंग्लिश के जानता है। और अपनी दिनचर्या में शायद ही उसका कोई भी दिन ऐसा जाता होगा जिसमें वो इंग्लिश के शब्दों को यूज नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इंग्लिश में है लेकिन उसे हमें ऐसा लगता है जैसे कि लाइट है ना, लाइट है, पाइप है, मोबाइल है ना, चार्जर है, ये सब लिखे हम बेसिक बोलते हैं। और घर में कोई पढ़ाई से दूर भी है और वो कभी इंग्लिश बोलता नहीं है लेकिन ये वो भी इन्हीं शब्दों का यूज करता है। तो कहने का मतलब है अनजाने में बहुत इंग्लिश बोलते हैं लेकिन अब हम उस चीज को समझ कर बोलेंगे। और लास्ट क्या है, डाउट सेशन और एवरी सेशन। फिर भी अगर आपको किसी रूल्स में किसी चीज में दिक्कत है तो एक लाइव इंस्ट्रक्शन हम सबका होगा। प्रत्येक शनिवार को हम एक लाइव सेशन रखेंगे गूगल मीट पे। तो फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो मैं आपकी डाउट उसमें लूंगा, उसका टाइम इस व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा इसकी टाइमिंग क्या होगी। तो प्रत्येक शनिवार को मैं आपका एक डाउट सेशन इसमें लूंगा और आपकी इंग्लिश को लेकर जो भी समस्याएं हैं उनको मैं सुनूंगा और मैं उनका समाधान करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। अब मैं पूरी एक विश्वास के साथ ऐसे सोच सकता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं गोल्डन क्वेश्चन टू स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं, सबसे सुनहरे प्रश्न क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप वाकई में ही इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप जैसे कि आप इस वीडियो पर आए हैं तो इतना तो क्लियर है कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाई टू स्टार्ट, आप क्यों शुरू करना चाहते हैं, शुरू क्यों करें, आप ये चीज शुरू क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि जीवन में किसी भी चीज को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं। अगर हमारा क्यों डिसाइड है ना, तो उसके बाद चलते हैं हाउ पे और फिर व्हाई पे, फिर वो हमारा कार्य सफल हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को भी काम करना नहीं कहते, जब काम खत्म होता है तब हम कहते हैं कि हमने काम किया है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा, मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नौकरी की तैयारी अभी भी कर रहा हूँ, मैंने बहुत तैयारी की है लेकिन अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो एक तरह से वो काम पूरा नहीं है, ठीक है ना। और भी ये थोड़ा सा अटपटा उदाहरण हो गया लेकिन इस तरह से और भी बहुत चीजें हैं, जब काम खत्म हो जाता है तब हम उसे कहते हैं कि मैंने ये काम किया। अधूरे काम को नहीं कह सकते, काम शुरू करने को नहीं कह सकते, काम करने के बारे में सोचना हो इसको भी हम पूरा करना नहीं कह सकते। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाई टू स्टार्ट, आप क्यों अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। अगर आपका वो रीजन क्लियर है ना, तो आपको ही फिर जो सब चीज है एक मोटिवेशन आपको अंदर से मिलेगा कि क्लासेस में करनी चाहिए। और एक कुछ रीजन मैं भी आपसे बता देता हूँ। अब देखिए बहुत ज्यादा तेजी से समय बदल रहा है और बेरोजगारी के आए दिन मुद्दे भी चलते रहते हैं, तो इंग्लिश जो है आज के जीवन में एक बहुत ही अहम पार्ट व्यक्तियों का बनता जा रहा है। और अब तो आप देखते भी होंगे कि चाहे प्राइवेट फील्ड हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, इंग्लिश की भूमिका बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर पहुंच रही है इंग्लिश बोलने की। तो आपको ये सीखनी ही चाहिए और मेरा पर्सनली सुझाव है अगर आप सीख लोगे तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको कारण पता होना चाहिए कि आपको क्यों सीखनी है।
हैं। आजकल देखिए मैं आपसे बताऊं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है और बहुत से बच्चों को क्या है जॉब नहीं मिल रही, आई मीन मतलब उन्हें कोई काम नहीं मिलता। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है, आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो विदेश की कंपनियां हैं वो जो है फ्रीलांसर को लेती हैं, लेकिन उनका सारा टारगेट जो होता है इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश देखिए पढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छा है और इंग्लिश सीखना उससे भी अच्छा है, इंग्लिश बोलना सीखना। इंग्लिश बोलने की एक अलग ही प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी में बनता है और कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी पार्ट है ही। अगर आपको क्लियर है कि क्यों सीखनी है ना, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं भी सीखनी तो आप उसको ये चीजें सजेस्ट कर सकते हो जो भी मैं बता रहा हूँ जिसे सीखनी है, क्योंकि जिसे सीखनी है ना उसके लिए ही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। अगर आपकी इच्छा नहीं है और मैं आपको सिखा रहा हूं तो ना आप सीख नहीं सकोगे। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप सीख नहीं सकोगे, और इच्छा आपकी नहीं है क्योंकि आपको कारण नहीं पता कि क्यों नहीं सीखनी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अंतिम मोड़ पर पता चलता है कि इंग्लिश स्पीकिंग की भूमिका कितनी ज्यादा है। अगर ऐसे बच्चे को भी बैच मिल गया तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा ये अलग तरह से काम करेगा। और मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सब चीज आपके लिए सेम है, पूरा बैच सेम है, लेकिन अगर आप मन से नहीं सीखना चाहते तो फिर आप इसे नहीं सीख सकोगे। अगर आपको पता है कि क्यों सीखनी है, इसके बाद आती है हाउ टू स्टार्ट, कैसे सीखनी है। कैसे सीखने के लिए इसकी कुछ मुख्य पॉइंट है, इसकी कुछ मुख्य बिंदु है कि कैसे सीखनी है। आपको ये सीखनी है कुछ इस तरह से कि सबसे पहले आपको व्हाट टू डू, कैसे सीखनी है। सीखने के लिए सब मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ये प्रोसेस पूरा का पूरा आपका ही है। अगर आप इस प्रोसेस को पूरा का पूरा फॉलो करते हो, मैं बिल्कुल दावे के साथ एक चीज कह सकता हूँ, आप तो इन सारे दिनों के बाद एक बहुत अच्छे वक्ता बन चुके होंगे। इन सारे क्लासेस के बाद आप एक बहुत अच्छे वक्ता बन चुके होंगे। अब आता है व्हाट टू डू, अभी क्या करना है हमें, अभी क्या करना है ये सीखने के लिए, अभी क्या करना है। तो अभी क्या करना है हमें, अभी करना है इंग्लिश लिसनिंग हैबिट। ठीक है, एक बच्चे ने, एक विद्यार्थी ने एक दिन मुझसे कहा कि सर मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाए। मैंने उस बच्चे को देखा और मैंने उससे कहा कि आप मुझे ये बताइए आपने इंग्लिश सुनी कितनी है, आपने इंग्लिश सुनी कितनी है। उसने कहा सर मैं तो इंग्लिश सुनता ही नहीं हूँ, जब भी कोई इंग्लिश का मूवी सॉन्ग या फिर कोई भी आपस में इंग्लिश में बात करता है मुझे सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा उससे यही वो कारण है कि आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते क्योंकि आपने सुना नहीं है। क्योंकि हिंदी आपको कभी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सीखी, आपने एनवायरमेंट में आप उसमें रहे और आपको बहुत ज्यादा सुनाई दी तो आप उसे बोलने भी लगे, आपने एनवायरमेंट को समझा। एक तो इंग्लिश का हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, वो एनवायरमेंट हम क्रिएट करेंगे। हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम क्या है व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया भी आजकल बहुत ज्यादा लाभदायक है स्टूडेंट्स के लिए, तो हम वो एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे। अभी भी हमारे पास बहुत बच्चे हैं ऐसे और एक फॉर्म मैं आपको दूंगा उसका, मैं चलो बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। तो वो एनवायरमेंट हम क्रिएट करेंगे और देखिए इतनी चीज है आपके लिए, क्लासेस देखने के लिए है, एडवांस बैच है, फिर रीडिंग के लिए भी आपको मेटेरियल मिल रहा है, ऑडियोज आपको मिल रही है, वोकैबुलरी सेक्शन आपको मिल रहा है, फिर भी डाउट सेक्शन भी आपको मिल रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनवायरमेंट आपका ना बने। एनवायरमेंट देखिए पूरा बनाने का प्रयास किया गया है, तो एनवायरमेंट भी आपके पास, व्हाट टू डू, आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इच्छा सच्ची है तो 60 दिन के बाद आप एक बहुत अच्छे अंग्रेजी की स्पीकर बनने वाले हो, बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोलने वाले हो। अब आते हैं व्हाट टू डू पर, व्हाट टू डू का मतलब है इंग्लिश लिसनिंग हैबिट, हमें क्या करना है। बच्चों देखो इतनी सारी इंग्लिश आज तक बचपन से आज तक आपने पढ़ी होगी और भी आप बहुत चीजें पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे बताना चाहता हूं आप इन तीन चीजों पर, देखिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसकी गलत भूमिका है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस सिर्फ 20 मिनट का है, ये प्रोसेस सिर्फ 20 मिनट का है। दिन में अगर ये 20 मिनट आप दे सकते हो इंग्लिश को, अगर ये 20 मिनट आप दे सकते हो दिन में, ये 20 मिनट क्या है अभी मैं आपसे बताता हूं। एडवांस बैच शुरू करने के लिए आपको ये 20 मिनट आपको देनी है अपने आप पर, किस तरह से देनी है, इंग्लिश लिसनिंग हैबिट। सबसे पहले आपको इंग्लिश ऑडियो लाइब्रेरी 10 मिनट की करीब की क्लास रहा करेगी, वो आपको 100% सुननी ही सुननी है, उससे आपकी इंग्लिश लिसनिंग हैबिट डेवलप होगी। आपको ये ऑडियो लाइब्रेरी किसी भी हाल में सुननी ही सुननी है,
अगर देखिए आपकी इच्छा सच्ची है और वाकई में आप एक बहुत अच्छे वक्ता बनना चाहते हो, तो मैं आपसे बताऊं, इंग्लिश लिसनिंग हैबिट, इंग्लिश ऑडियो लाइब्रेरी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आपको सबसे पहले तो इंग्लिश सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। ये ऑडियो लाइब्रेरी की आप क्लास मिस मत करना, 10 बजे सुबह से इसकी क्लास होगी और आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से, आज उसकी एक सितंबर है ना, तो आज आपको उसकी इंट्रोडक्शन क्लास ही आपको मिलेगी। इसके बाद स्पीकिंग हैबिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर स्पोकन इंग्लिश बैच, हमारे अंग्रेजी बोलने की पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण लाइन, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो वो है स्पीकिंग हैबिट की, बोलने की हैबिट। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे बोले, हम क्या बोले? अब बच्चों सबसे पहले मैं आपसे एक चीज बता दूं, आज आप एक नियम बना लो, मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग डेली एटलीस्ट 1 मिनट। आप 1 मिनट से शुरुआत कीजिएगा, आपको 1 मिनट इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है। आप एक अपने आप से एक वादा करो, एक प्रॉमिस अपने आप से करो, अपने आप को टारगेट दो कि मैं जब भी सुबह उठूंगा या उठूंगी, यानी कि मैं जब जागूंगी या जागूंगा, तो सबसे पहले मैं 1 मिनट इंग्लिश पहले बोलूंगा अपने बेड पर ही, अपने बिस्तर पर ही। आपको 1 मिनट इंग्लिश बोल के ही उठना है। अब आप कहोगे कि सर हम क्या बोल सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। अगर आप फाउंडेशन बैच करे हुए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 1 मिनट इंग्लिश ना बोल सकते हो। फिर भी आपको अगर लगता है कि सर फाउंडेशन बैच भी हमने नहीं किया है और कर लिया फिर भी हमें नहीं मिला, तो आप अपना इंट्रोडक्शन ही बोलकर शुरुआत कर सकते हो, है ना। आई एम दीपांशु वर्मा, आई रीड दिस क्लास एंड आई लिव इन, ऐसे भी आप बोल सकते हो, है ना। 1 मिनट बोलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं लगती। आप देखिए ऐसे भी बोल सकते हो, आप अपनी दिनचर्या बोलते हो, बोल सकते हो आप अपना डेली रूटीन बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप, आफ्टर दैट आई टेक एक्सरसाइज, आफ्टर दैट आई टेक मिल्क, आफ्टर दैट आई गो टू स्कूल। ऐसे जैसे भी आप बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, बशर्ते आपको 1 मिनट स्पीकिंग बोलनी ही बोलनी है। अगर आपको ये हैबिट लग गई, आपने ये हैबिट अगर बना ली, तो मैं आपसे बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत अच्छी बोलने की कला भी आपको आ जाएगी। देखिए मैं ये नहीं चाहता कि इन 60 क्लासेस को पहले आप पढ़ो उसके बाद मैं आपको बोलने की प्रैक्टिस कराऊं। मैं चाहता हूं कि जब 60 क्लास खत्म हो तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन चुके होंगे और आप बन जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। और इसके बाद है राइटिंग हैबिट, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। आप अपने आप से वादा कीजिए कि मैं 5 मिनट इंग्लिश लिखूंगा या फिर लिखूंगी, मैं 5 मिनट मुझे इंग्लिश लिखनी ही लिखनी है। आप क्या लिखोगे, जो भी रूल्स आप एडवांस बैच की क्लासेस में सीखते हो, मैंने आपको सपोज के लिए आपको मैंने यूज ऑफ हेल्प पढ़ाया, हेल्प का प्रयोग मैंने आपको पढ़ाया और आपने भी पढ़ा, हेल्प का प्रयोग आप लिखिए। आप 5 मिनट राइटिंग लिखिए, कोई स्टोरी बनाइए अपने आप में, जैसे कि टुडे आई एम हियर टू टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू शेयर ए स्टोरी ऑफ ए बॉय, द बॉय नेम इज राम, राम इज अ वेरी डिसेंट बॉय एंड राम इज वेरी गुड बॉय, बट राम हैज ए फ्रेंड, राम फ्रेंड्स इज वेरी बैड, ही स्मोक्स, ही गोज टू बार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कुछ भी ऐसा बोल सकते हो, आप एक कहानी बना के लिखिए। ये देखिए छोटा प्रोसेस है, ये छोटा प्रोसेस है 20 मिनट का, 10 मिनट की ऑडियो आपको सुननी है, 1 मिनट से आपको बोलने की शुरुआत करनी है और 1, 2, 3, 4, 5 मिनट इस तरह से आपको जाना है और 5 मिनट आपको राइटिंग लिखनी है। अगर आप इस फॉलो करते हो इस पूरे टारगेट को, इस पूरे चार्ट को, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत अच्छे स्पीकर आप बन चुके होंगे और बदलाव आपके अंदर। देखिए मैं ये नहीं कहता कि 7 क्लासेस के बाद आएगा, अगर आप एडवांस बैच ले रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो बदलाव आपके अंदर पहले दिन से ही आएगा और बहुत अच्छे से आप एक स्पीकर बन चुके होंगे, बशर्ते जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आप उस तरह से करिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे फोन नंबर पर आपसे बात करके पूछ सकते हैं कि ये क्या प्रोसेस है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एडवांस बैच के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको सबको ही हो गई होगी और कल 2 सितंबर में हम इसकी क्लास करेंगे टेंस को लेकर, 12 के 12 टेंस में डिस्कस करूंगा आपसे। और फाउंडेशन बैच में हालांकि मैं कर चुका हूँ, लेकिन 12 के 12 टेंस में मैं कुछ नई चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक बेहतरीन स्पीकर बनने के लिए, एक बहुत अच्छा स्पीकर इंग्लिश में बनने के लिए किस तरह से हम उन टेंस को अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, अपनी बोलचाल में यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर कुछ बोलने में गलती हुई तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था तो मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था कैमरे को फेस करने में।